वेलकम कभी आप कभी इजाजत नहीं देंगे किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को कि मेरी कौम को किसी के सामने झुकने दो। हक का साथ दो, बुराई को बुरा कहो, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबान से उनको बताए कि वो क्या कर रहे हैं और खान साहब का साथ दें। जो आज एक साथ एक सारा गंद इकट्ठा हो गया, बिलावल भुट्टो कह रहा था कि नवाज शरीफ को वो जियाउल हक का बेटा है और शहबाज शरीफ कह रहा था कि मैं इसे लड़काना और लाहौर की गलियों में घसीटूंगा, उन्हें शर्म नहीं आती आज एक साथ एक स्टेज पे खड़े हैं। जिस तरह तुर्की के अवाम तेपुरदगान के लिए टैंकों के नीचे लेट गए, इसी तरह हम खान साहब के लिए टैंकों के नीचे लेटने के लिए भी तैयार हैं। चार पाँच चूहे इकट्ठे हो गए हैं, खान साहब को कुछ नहीं भगा सकते। ये अवाम जो है खान साहब का साथ देगी, ये छाते मारते हुआ समंदर साफ बता रहा है कि हम अवाम खान साहब के साथ हैं। बाकी रह की बात कि ये सब्र करें, साढ़े तीन साल हो गए, डेढ़ साल में कोई मौत नहीं आ जाएगी, मर नहीं जाएंगे, खान साहब को खा नहीं जाएगा, इनको नहीं बर्दाश्त करते, फिर मुकाबला करेंगे। ये सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि डू मोर की जगह एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यूरोप की गुलामी की जगह यूरोपीय यूनियन से आजादी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ये हमारे लिए सबसे बड़ी तब्दीली है। सिर्फ इसलिए पाकिस्तानी कौम को दिखाने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए हम हक के साथ है, हम कल भी थे आज भी है और रहेंगे। हम बैरूनी ताकतों को अंदरूनी शैतानों को ये पैगाम देना चाहते हैं, संभल जाओ अभी भी वक्त है। अगर इमरान खान के साथ पंगा लेने की कोशिश की, आवाम देख रहे हैं ये इनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। सच्चा ईमानदार और ये एक वाहिद हमारी उम्मीद है पाकिस्तान, इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है, सारे चोर हैं। तीन चूहे जो कहते हैं, तीन चूहे नहीं है, तीन दहशतगर्द हैं। इन्होंने 30 साल हमारे मुल्क को खाया है, खाने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो हमने 30 चांस दिया है, उन्होंने हमें क्या दिया? मुल्क में करप्शन भाई, अब आवाम को शऊर आया है इमरान खान के आने के बाद। मैं जिंदगी में पहला बार जलसे में आ गया, खान साहब के जलसे में आ गया। खान साहब आलू टमाटर प्याज के लिए नहीं बैठा हुआ है, खान साहब मुल्क के लिए बैठा हुआ है। मुल्क ठीक होगा तो हम ठीक होगा, जिरदारी का बेचा। मैं चैलेंज देता हूँ उस सारे मीडिया को और सारे सियासी लीडरों को, जो कोई पार्टी है खान साहब को मुखालिफ है मेरे सामने लेके आओ। शहबाज शरीफ ने नहीं कहा कि मैं जिरदारी को पाओ से गर्सेंट के लड़काना से लेकर आऊँ, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। फिर जरदारी ने कसम खाया रबी काबे पे, उस सोना रब के जिसको हमने अपने जान दिया, रंग दिया, रूह दिया, खानदान में तकसीम किया। पर अगर हम जरदारी के साथ, शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हो गया, नवाज शरीफ के साथ, तो हमारे को अल्लाह मगफिरत नहीं देगा, बख्श नहीं देगा। मैंने इंग्लैंड देखा, बेई देखा, सऊदीया देखा, अमेरिका देखा, उनकी पॉलिसी है। मेरा पैगाम तमाम अपने पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को है कि आपकी कौन सी पॉलिसी है, ये कभी आपके ऊपर मिसाइल फेंकते हैं, कभी गालियां निकालते हैं, गंडा करते हैं, हमारा सर उठाने के काबिल नहीं रहते, इन गद्दारों को उठाएं बाहर फेंकें। सबकी सब मुल्कों की पॉलिसी ये है कि कहीं पे भी कोई गद्दार नजर आता है उसका पता ही नहीं चलता वो किधर गया किधर नहीं गया। कभी जरदारी खड़ा होता है, कभी नवाज शरीफ खड़ा होता है, कभी उसकी बेटी खड़ी होती है, कभी मौलाना कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, किसको धमकियां देते हैं। ये आपकी पॉलिसी है, आप अपनी पॉलिसियों को चेंज करें। ये आज हम यहाँ पर आए इमरान खान के साथ क्योंकि उसने अपनी काबिशों से यूनाइटेड नेशन में अपनी करारदाद मंजूर करवाई है, नामू से रसालत के खिलाफ, इस्लाम फोबिया के खिलाफ, कोई भी नहीं कर सकता। ये कहाँ थे 45 साल पहले, ये कहते हैं अब हम ये करेंगे। और इधर इनकी कल वो मोहम्मद जुबैर मुस्लिम लीग नून की उसकी पॉलिसी उसकी ये देखें, वो कहते हैं जब हम आएंगे ये सारी तर्जियात हम खत्म करेंगे, ये जो कार्ड है कोई भी है क्यों खत्म करोगे, तुम लोगों ने किया क्या पहले, लूट लूट के वहाँ पे चले गए, आज तक इनके पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपने घबराना है, हम खान साहब को ये कहते हैं खान साहब आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, ईमान के साथ, यकीन के साथ, इमरान खान के साथ। और इंशाल्लाह जिस तरह इन चोरों को पहले भी हमने भगाया हुआ है, इस दफा भी इंशाल्लाह इन चोरों को जो ना जगह नहीं मिलेगी, और इंशाल्लाह ये गर्क होंगे, तबाह होंगे। और मैं आप खान साहब के सामने उसके जूते के बराबर भी नहीं हो, और आप खान साहब को जो ना आप ललकार रहे हो। पीपी का 30 साल रुकन साजी की, ये इमरान खान का वोट नहीं है, ये तहरीके पाकिस्तान का वोट। इमरान खान क्या है, उसको अल्लाह ने भेजा है, मैं आपने नहीं लाया, ये मुल्क को बचाने का वाहिद अल्लाह ताला ने ये जरिया दिया है। खान साहब का एक विजन था, उन्होंने जब हुकूमत संभाली और उससे लेके आज तक वो अपने जो उनका मंशूर था उससे जेर जबर भी इधर नहीं हटे। इस बहादुरों के बादशाह ने, सादक अमीन ने, इस सच्चे लीडर ने, इस लेर ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को बावर कराया कि वो सच्चा मुसलमान है और मुसलमानों की वो लीड कर सकता है। जो आज आपके सामने ये अपोजिशन जो कि चू चू का मुरब्बा है, ये लुटेरे जिन्होंने आज माफिया बन के और उसको चारों तरफ से घेर के जिस तरह उन्होंने खरीदारी की और जिस तरह उन्होंने खयानत की, लेकिन खान साहब ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, वो
एक ऐसा लीडर है जिसकी सच्चाई पूरी कौम मान चुकी है, साबित हो चुका है, और इंशाल्लाह हर वक्त आने वाले वक्त में मजीद लोग उसके साथ शामिल होंगे और पूरी कौम उस लेर आदमी के साथ शाना बशाना खड़ी होगी इंशाल्लाह।